तो आज से कम 4 महीने पहले, हाँ 4-5 महीने पहले हम लोग मतलब ये मतलब क्या बोलते कोलकाता गए हुए थे। तो मैंने मतलब वहाँ का एक ब्लॉग ही बना डाला, तो आप लोग इसको एंड देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो यार ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मुझे पता नहीं कैसा हो रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग इसको मतलब मैनेज कर लेना, बाकी ब्लॉग इंजॉय करो। तो मस्त हम लोग सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ उठने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ का नज़ारा मतलब बहुत ही ओपी नज़ारा था, तो मैं सोचा इसको कैप्चर करना तो बनता है मस्त। वहाँ मतलब वहाँ का वाइब बहुत ही अच्छा था। और सर यहाँ पर आप लोग मतलब स्टेशन देखिए, जो कि मतलब बहुत मतलब भाई क्राउड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से निकलने के बाद हम आते हैं नदी, नदी में स्नान करने के बाद हम लोग नदी को पार करने के लिए यहाँ पर बोट वगैरह चलता है, जैसे आप लोग बड़े बड़े जहाज सब देख सकते हो, तो ये सब चलता है। तो ये इसी में चढ़ के हम लोग इसको पार करेंगे, क्योंकि हम लोग को बस यहीं पर आगे मिलने वाला है। तो यहीं से मत आप लोग पहले यहाँ का नज़ारा देखो, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छा खासा नज़ारा है यहाँ का। चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा। तो बोट से निकलने के बाद हम लोग यहाँ चढ़ते हैं सीधा मतलब ये बस में। तो बस में ही पहले आप लोग यहाँ का नज़ारा देखो, जो कि बाहर का नज़ारा मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा नज़ारा है। उसके बाद हम लोग जस्ट जाते हैं यहाँ के मतलब एक जो महल है, महल का नाम मुझे सही से याद नहीं आ रहा, आई थिंक विक्टोरिया महल या फिर कुछ ऐसा है। तो यहाँ बाहर का पहले सीन देखिए, तो वहाँ पर शायद टिकट वगैरह मिल रहा है। तो टिकट लेने के बाद जस्ट हम लोग यहाँ पर घुस गए। तो आप लोग पहले यहाँ का नज़ारा देखो, ठीक है। थोड़ा बाहर का नज़ारा है उसका, थोड़ा ये मिडिल, ये मतलब मिडिल का है उसका। यहाँ के देखिए यहाँ से जो पूरा नज़ारा आप लोग को दिख रहा होगा, तो यही नज़ारा था यहाँ पे। तो देखो बाहर का नज़ारा तो आप लोग ने देख लिया, तो अब चलते हैं सीधा इसके अंदर। तो अंदर में दिखाता हूँ अंदर में क्या क्या है। तो मस्त यहाँ पर टिकट चेकिंग के पश्चात हम लोग यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ का नज़ारा देखो सर, ये बालिका भी मेरी तरह यहाँ पे ब्लॉग बना रही है, तो इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए आप लोग मतलब यहाँ पे घुस के देखेंगे, तो यहाँ का जो मतलब बहुत से मतलब पर्यटक यहाँ पे घूमने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का मतलब यहाँ का शायद ये ऐतिहासिक धरोहर है। क्योंकि यहाँ पे मतलब मैंने सुना है कि विक्टोरिया शायद ये अंग्रेज के ज़माना का है, तो मुझे सही से मतलब इसका हिस्ट्री के बारे में पता है नहीं। तो फिलहाल आप लोग यहाँ थोड़ा भीड़ देखिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और शायद आप लोग इसको देखिए, ठीक है, ये शायद डॉक्टर क्लाइव है, जो कि मतलब इसके भी हिस्ट्री के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि पता है मेरा हिस्ट्री थोड़ा कमज़ोर है। तो इसको आप लोग ये मत करना। बाकी यहाँ पे मतलब आप लोग को और अंदर जाके दिखाता हूँ, ठीक है, अंदर क्या क्या है। यहाँ पे सेकंड फ्लोर से देखने पर यहाँ का जो नज़ारा है मतलब भाई ओसम से भी अच्छा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और अंदर घुसते तो यहाँ पे आप लोग मतलब बहुत जगह प्रोजेक्टर वगैरह लगे हुए थे, जहाँ की कुछ मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे सीन वगैरह दिखा रहे थे। सर ये हिस्ट्री वगैरह ये सब दिखा रहे होंगे, तो मुझे ये सब लेना देना है नहीं। ये सब पढ़ के मैं क्या करूँगा भाई, ऑलरेडी मैं बहुत कुछ नहीं पढ़ा हुआ, मुझे पढ़ना शुरू से ही पसंद नहीं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए बहुत ही मतलब प्रोजेक्टर वगैरह है। साथ साथ यहाँ पे पहले आप लोग ये देखो, यहाँ पे भाई गन रखा हुआ है, जो कि रियल गन है, ठीक है। तो आप लोग पहले नाम बताना शुरू में कि आप लोग कौन सा गन, आप लोगों को पता है ये कौन सा गन है नहीं, आप लोग पहले मतलब कमेंट में बताना कि कौन सा गन है। मुझे मेरा वॉइस ओवर थोड़ा खराब आ रहा है, तो उसको मैनेज कर लेना, ठीक है, और बताना कि कमेंट में ये कौन कौन सा गन है। तो शाम के टाइम में यहाँ का थोड़ा नज़ारा देखिए। यहाँ के बाद हम लोग जाते हैं सीधा यहाँ पे रात के टाइम में। तो मेरा मोबाइल जो कि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज था, तो मैंने सोचा चलो वहाँ पर चार्ज कर लेते हैं। और साथ साथ मैंने मतलब मेरे जितने भी मतलब फैमिली वाले आए थे, तो सब ने बोला कि जाओ मेरा भी फ़ोन चार्ज कर देना। तो बस सबका मतलब मैं फोन मोबाइल चार्ज करके मैंने सोचा यहाँ का एक सीन लेना बनता, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो मैं सोचा चलो यहाँ का एक सीन ले लेते हैं। तो मस्त मतलब हम लोग का ट्रेन का टाइम जैसा रात मतलब मुझे टाइम तो याद नहीं, पर रात का टाइम था। तो बस हम लोग ट्रेन में जाने के बाद सो जाते हैं। तो उसे सुबह से उठने के बाद थोड़ा नज़ारा देखते हैं, जो कि बहुत ही ओपी नज़ारा है। तो यहाँ पे मैंने सोचा इसको भी ये करना मतलब बनता है। तो इसी के साथ हम लोग का ब्लॉग हो जाता है ख़त्म। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता हूँ फिर किसी नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।